आज हम रहर की अच्छी फसल पाने के लिए उसकी कोमल कपोलों या यूं कहें उसके ऊपरी तने की तुड़ाई करेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि रहर के कपोलों की तुड़ाई क्यों करते हैं, इस तुड़ाई से क्या फायदा होता है, जानना चाहते हैं आप? तो यह रहा आपके सवालों का जवाब। देखिए, अगर आपको अरहर की फसल की उपज अधिक लेनी है, अच्छी फसल लेनी है, तो इसके कपोलों की दो बार तुड़ाई करना बहुत आवश्यक है। कपोलों को ऊपर से 2-3 इंच ऊपर से दो बार तोड़ा जाता है। पहली तुड़ाई पौधे उगने के करीब 35 दिन बाद और दूसरी तुड़ाई उसके 1 महीने के बाद कर देनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि कपोलों को तोड़ने के बाद मुख्य तने से बहुत सारी अगल बगल से शाखाएँ निकलती हैं और पूरा पौधा बड़ा हो जाता है, जिसका मतलब है अधिक फल और अधिक फूल और अधिक उपज। देख रही हो पौधा कितना स्वस्थ और सुंदर दिख रहा है। दीदी, एक बात बताइए, कुछ दिन पहले उगे हुए दो पौधों में से एक पौधा क्यों उखड़ रहे थे? वो इसलिए कि वहाँ एक ही पौधा होगा तो फूलने फलने के लिए जगह ज़्यादा मिले और वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह मिलेगा तो हवा, पानी, खाद, पोषण ज़्यादा मिलेगा। अच्छा दीदी, ये बताइए कि कपोलों की तुड़ाई हमें कब करनी चाहिए? देखिए दीदी, आपका पौधा लगभग 1.5 फीट का हो जाए तो कपोलों की तुड़ाई पहली बार करना चाहिए। बीज लगाने के बाद 35 दिन के आसपास पौधा की ऊंचाई 1.5 फीट हो जाती है। कपोलों की तुड़ाई करते समय हमें सावधानी से पौधों को पकड़कर किसी धारदार हथियार जैसे चाकू, कैंची या फिर ब्लेड से 2 इंच ऊपर से काटकर अलग कर देना चाहिए। जैसे हम चना में करते हैं वैसे ही ना करनी है दीदी? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पौधा को कोई नुकसान नहीं पहुँचे और पौधा उखड़ न जाए। दीदी, ये सारे पौधों की कपोलों की तुड़ाई हो गई है? हाँ, आज से लगभग 1 महीने के बाद नई शाखाओं की कपोलों की तुड़ाई करेंगे। कपोलों की दोनों तुड़ाई के बाद रहर के पौधों में जीवामृत का प्रयोग बहुत जरूरी है। प्रति पौधे 100 मिलीलीटर यानी लगभग 1 कप जीवामृत का प्रयोग पौधों की जड़ों के पास डालकर करें। ध्यान रहे, जीवामृत के प्रयोग से पहले पौधों के जड़ों के पास नमी हो और जीवामृत डालने से पहले जड़ों के आसपास की मिट्टी को भुरभुरी कर लें। कपोलों की तुड़ाई के बाद जीवामृत के प्रयोग से पौधों को भरपूर पोषण मिलेगा और उसमें अधिक संख्या में शाखाएं निकलेंगी। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रहर का पौधा सूखने की बीमारी से इसका बचाव कैसे किया जाता है। हाँ, तब तक आप 5 से 7 किलो नीम के बीज या निमोली की व्यवस्था करके रखिएगा। अरहर के कपोलों की दो बार तुड़ाई करने से पौधा घना हो जाता है और इसमें अधिक मात्रा में फूल और फल आते हैं, जिससे हमें अधिक उपज मिलती है। लेकिन कपोलों की तुड़ाई सही समय पर और सावधानी से करनी चाहिए, जिससे पौधे को कोई नुकसान ना हो सके।